हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर फिजिक्स क्लास। तो स्टूडेंट्स, जैसे हमने लास्ट क्लास ली थी चैप्टर नंबर 4 की, ये इसका सेकंड लेक्चर है। इससे पहले फर्स्ट लेक्चर जो जिसने मिस किया है वो जाकर स्कूल के अपने ग्रुप में वहाँ से उस लेक्चर नंबर फर्स्ट को रीड करके तब आप इस लेक्चर सेकंड को पढ़ेंगे तो आपको पिछली चीज़ें ईजीली समझ आएंगी। तो 11th क्लास स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, और ये लेक्चर हमारा प्रिज्म वाले लेसन से है, जिसका हमने कल जो किया था वो पोर्शन हमने करा था। प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म की शेप कैसी होती है, एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है, ये सब बातें हमने उसमें बताई थी। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करेंगे जो हमने कल बताया था एंगल ऑफ डेविएशन की। तो एंगल ऑफ डेविएशन में मिनिमम कंडीशन में क्या चेंजेज आते हैं, जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो, और एंगल ऑफ इमरजेंस जो कल बताया था, इसको हमने डिनोट करते हैं आई डैश से। तो आई और आई डैश में आखिर आप उसमें क्या रिलेशन आएगा, और साथ में देखेंगे कि मिनिमम कंडीशन हो जब आती है हमारे डेविएशन की तो उस कंडीशन में हमें क्या क्या बदलाव नज़र आएगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात करेंगे प्रिज्म के। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो टुडे स्टूडेंट्स, ये लास्ट क्लास में जिसने मिस किया वो ध्यान से नोट कर लें कि लास्ट क्लास में हमने बताया था कि एंगल ऑफ प्रिज्म ए इक्वल टू आर प्लस आर डैश, यू नो दिस इज आर प्लस आर डैश। ये एंगल ऑफ प्रिज्म कल डिनोट कराया था। इसके बाद बताया था एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, जिसे हम डिनोट करते हैं डेल से। एंगल ऑफ डेविएशन डेल इज इक्वल टू आई प्लस आई डैश माइनस ए। आई क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई डैश एंगल ऑफ इमरजेंस, एंड ए इज द एंगल ऑफ प्रिज्म। ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ अब आप यहाँ देखिए कि नेक्स्ट आपका टॉपिक, अभी आप आगे डेल का मिनिमम कंडीशन को देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक ग्राफ देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने एक ग्राफ शो किया है, इस ग्राफ को हम देखें। ये ग्राफ हमारा आई और डेल के बीच में लिया गया है। आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, तो यहाँ पर हमने 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 इस तरह से हमने वैल्यूज़ लिए हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस की, जो एक्स एक्सिस पे लिए हैं। और वाई एक्सिस पे अगर हम लेते हैं तो वाई एक्सिस पर हमने ये इधर की तरफ लिए वैल्यूज़, ये इधर है एंगल ऑफ डेविएशन डेल। तो जब हम इसका एक्सपेरिमेंट करते हैं प्रिज्म के थ्रू, तो जब स्टार्टिंग की वैल्यूज़ होती है 30 पर देखिए आप, फिर 40 पर, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यूज़ को बढ़ाते हैं, 30 से स्टार्ट करते हैं, मिनिमम वैल्यू 30 लेते हैं, 30 से 35, 40, तो पहले जो हमारा डेल की वैल्यू आती है वो धीरे धीरे डिक्रीज होती है, और एक पॉइंट पर आकर जहाँ पे डॉटेड लाइंस मिलाई गई हैं, इस पॉइंट पर देखो आप, यहाँ डॉटेड मिलाया गया है, तो इस जगह पर हमारा जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो मिनिमम वैल्यूज़ है। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस जैसे और इंक्रीज़ करते हैं 50, 60, 70, हमारा ये एंगल ऑफ डेविएशन जो डेल की वैल्यूज़ है वो लगातार इंक्रीज़ होती जाती है, और इधर भी इंक्रीज़ होती है, लेकिन इस सेंटर पॉइंट पर यहाँ पर सबसे कम वैल्यू है हमारी डेल की। तो इसको अगर हम डॉटेड लाइन में आगे मिलाते हैं तो यहाँ पर करीब 38 के अराउंड यहाँ पर वैल्यू दिखाई दे रही है एंगल ऑफ डेविएशन की। इसे बोलते हैं द मिनिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन, जिसको हम डिनोट करते हैं डेल एम के थ्रू। यहाँ पर हमने डिनोट करा होगा, इधर ये लिखा हुआ है डेल एम। ओके, तो डेल एम हमने यहाँ पे शो करा। अब देखते हैं ग्राफ में किस तरह से हमें लिखना है इसके बारे में। ये आई डेल, ये हमारा यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में भी, सॉरी बोर्ड एग्जाम्स में भी आता है कि आप शो करके दिखाइए आई डेल ग्राफ कैसे बनता है। तो हम थोड़ा सा इसके बारे में लिखते हैं। इफ़ वी डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटली, हमने एक्सपेरिमेंट करा प्रिज्म का,
तो उसमें हमने क्या करा, डेल और आई की वैल्यूज़ के थ्रू हमने प्लॉट करा ग्राफ आई एंड डेल के लिए। तो इसके शुरू हम क्या चीज़ देखें, हमने अभी बताया आपको कि जब आई की वैल्यूज़ को इनक्रीज़ करते हैं तो डेल की वैल्यूज़ डिक्रीज़ होते जाती हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद जब आई इनक्रीज़ करते हैं तो डेल हमारा भी इनक्रीज़ करने लगता है। ठीक है, तो लास्टली हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा मिलता है, एक पर्टिकुलर एंगल ऐसा मिलता है जहाँ पर डेल की वैल्यू मिनिमम होती है, उसको बोलते हैं द मिनिमम फॉर ए पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस। दिस इज कॉल्ड द मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, जिसे डिनोट करा दे। इसकी डेफिनेशन अगर लिखें, फॉर वन एंड ओनली वन पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस द प्रिज्म प्रोड्यूस मिनिमम डेविएशन। ओके, तो द मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन रिप्रेजेंटेड बाय डेल एम, तो हमने किससे डिनोट करा, डेल एम से, यहाँ पर डेल एम से डिनोट करा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे कहते हैं कि जो हमारा डेल एम है, ये डेल एम के कंडीशन में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और एंगल ऑफ इमरजेंस है आई डैस, ये आई और आई डैस देखो यहाँ पर दिखाते हैं, ये यहाँ पर दिखाएंगे इस कंडीशन में। देखो आप कि ये आई और आई डैस, ठीक, जब डेल मिनिमम होगा तो उस कंडीशन में आई और आई डैस की वैल्यूज इक्वल आती हैं। अब ये हमें कैसे पता चलता है कि आई और आई डैस इक्वल आएगा, तो उसके लिए हम एक्सपेरिमेंटली देखते हैं कि जब हमने कहा कि पी क्यू आर एस इस तरह का पाथ हमारा है, ये वाला पाथ हमारा, ये हमारी रे ऐसे जाती है, अगर इस पाथ को रिवर्स कर दें, अब रिवर्स कंडीशन अगर देखते हैं हम कि एस आर क्यू पी, तो उस कंडीशन में भी हमारी जो वैल्यू आती है आई डैस की वो आई के इक्वल ही आती है। तो इससे हम ये कहते हैं कि आई और आई डैस डेल इजकल टू डेल एम होने पर, डेल एम क्या था, मिनिमम डेविएशन होने पर आई और आई डैस की वैल्यू इक्वल हो जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, सो अब आगे देखते हैं कि ये तो हमें पता चल गया कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और एंगल ऑफ इमरजेंस आई डैस बराबर हो जाएंगे, तब कब होंगे, जब डेल इजकल टू डेल एम होगा। साथ में हम ये और कहते हैं कि आर और आर डैस भी इक्वल होंगे, लेकिन वो कैसे होंगे, तो यहाँ पर शो करके दिखाया गया है कि स्नेल्स लॉ हमने अप्लाई किया कहाँ पर, पी क्यू पर, स्टार्टिंग में एन इजकल टू साइन आई अपॉन साइन आर, राइट, और अगर हम रिवर्स कर रहे हैं तो उस टाइम पर जो आई डैस होगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा आई डैस, और उस टाइम पर एंगल ऑफ जो रिफ्रैक्शन होगा वो आर डैस होगा, तो साइन आई डैस अपॉन आर डैस। और हम पहले से बता रहे हैं कि इफ़ आई इजकल टू आई डैस, आई की वैल्यू आई डैस के इक्वल है, तो अगर यहाँ पर रिलेशन देखें तो साइन आर के सामने साइन आर डैस है, तो यहाँ पर आर भी आर डैस के होगा। तो फाइनली रिजल्ट क्या मिलता है हमें कि आई डेल ग्राफ से हमने दो चीज़ें देखी कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पर डेल जो कि एंगल ऑफ डेविएशन है वो मिनिमम होता है, अदर एंगल्स पे कभी इंक्रीज होती है वैल्यू, कभी डिक्रीज होती है, लेकिन एक पर्टिकुलर वैल्यू पर ही, पर्टिकुलर एंगल पर ही हमारा डेल की वैल्यू मिनिमम आती है, उसे बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम वैल्यू के लिए, उसे डेल एम से शो करते हैं। तो वहाँ पर हमारा आई आई डैस के इक्वल होगा और आर आर डैस के ऊपर होगा, राइट। नाउ फॉर द फार्मूला फॉर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, अब यहाँ बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म के लिए। तो यहाँ ये कंडीशन अप्लाई करेंगे मिनिमम डेविएशन की, तो यहाँ मिनिमम डेविएशन की जब कंडीशन अप्लाई कर दी हमने, तो देखो यहाँ पर ये हमारा लिखा हुआ है डेल इजकल टू डेल एम, राइट, एंड आई इजकल टू आई डैस एंड आर इजकल टू आर डैस, ये दो कंडीशन यहाँ पर हमने तीनों कंडीशन अप्लाई। अब ये इससे पहले जो रिजल्ट अभी सबसे स्टार्टिंग में बताया था कि ए इजकल टू आर प्लस आर डैस एंड डेल इजकल टू आई प्लस आई डैस माइनस ए, यहाँ पे ये वैल्यूज पुट कर दी, ए की जगह जब हमने पुट करा आर प्लस आर डैस, तो आर डैस को आर लिखा तो टू आर हुआ, वहाँ से आर की वैल्यू पता कर ली। इसी तरह डेल की जगह हमने डेल एम पुट किया मिनिमम कंडीशन के लिए,
और i डैश को i पुट किया तो यहाँ से i की वैल्यू हमें पता चली a प्लस डेल m बाई टू। तो ये i और r हमने फाइंड करे और यहाँ पर i और r को फाइंड करके हमने पुट किया कहाँ पर, स्नेल्स लॉ में। स्नेल्स लॉ में पुट किया तो साइन i अपॉन साइन r के थ्रू जब वैल्यू पुट करेंगे तो साइन a प्लस डेल m बाई टू एंड साइन a बाई टू। तो फाइनल रिजल्ट क्या आया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इक्वल टू साइन a प्लस डेल m बाई टू अपॉन साइन a बाई टू। तो ये रिलेशन आया बेटा, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और प्रिज्म एंगल a डेल m डेविएशन एंगल है मिनिमम कंडीशंस के लिए। तो ये आप करेंगे और साथ में अभी हम एक टॉपिक और लेंगे यहाँ पर, वो टॉपिक आगे हम करते हैं यहाँ पर। हम नोट करेंगे डेविएशन प्रोड्यूस बाय अ थिन फिल्म। अभी जो डेविएशन हम कर रहे थे यहाँ पर, जिसे हम डेल से डिनोट कर रहे थे, तो अगर प्रिज्म हमारा बहुत थिन है, पतला सा प्रिज्म है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि इफ द प्रिज्म इज थिन देन ए इज, और उस कंडीशन में ए की वैल्यू जो होगी प्रिज्म एंगल वो लगभग 5 डिग्री या उससे कम हो, तब हम प्रिज्म को थिन मानते हैं। तो डेल एम भी, जब हमारा ए स्मॉल होगा तो डेल एम भी निश्चित रूप से स्मॉल होगा, और जब एंगल स्मॉल होता है तो एंगल के स्मॉल होने पर साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा हो जाता है। सेम इसी तरह से साइन ए प्लस डेल एम बाई टू को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस डेल एम बाई टू। इसी तरह साइन ए बाई टू क्या लिख सकते हैं, ए बाई टू। तो ये रिलेशन इससे पहले अभी फाइंड किया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बाई टू एंड साइन ए बाई टू। तो यहाँ से हमने जब मिनिमम की कंडीशन अप्लाई की है तो ये सिर्फ रह जाएगा रिलेशन एन इजकल टू ए प्लस डेल एम बाई टू अपॉन ए अपॉन बाई टू। तो टू से टू कैंसिल हो जाएगा और ए हमारा एन के साथ चला जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो एन इजकल टू ए प्लस डेल एम एंड डेल एम इजकल टू एन ए माइनस ए। तो यहाँ से हमने ए कॉमन लिया तो एन माइनस वन। तो ये हमारा एक फार्मूला आया, ये कब के लिए फार्मूला है हमारा, मिनिमम डेविएशन फॉर अ थिन प्रिज्म, राइट स्टूडेंट्स। तो आप ये फार्मूला नोट करेंगे डेल एम इजकल टू एन माइनस वन इंटू ए, एंड इससे पहले जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने लिखा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन इजकल टू साइन डेल एम प्लस ए बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू। तो ये हमारे रिलेशंस को आप ध्यान से अभी नोटबुक में नोट करिएगा। ओके, आज के लिए इतना ही करते हैं, कल फिर एक नए लेक्चर के साथ मिलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन आपको नोटबुक में ज़रूर नोट करना है सभी, और लर्न करना है साथ में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।